बेटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद की जानकारी दे रहे हैं। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इसमें एक अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, कोजेटिव वर्ब्स, दूसरे से कार्य करवाना, गेट, हैव, मेक और कोज का प्रयोग इसमें होता है। तो गेट, हैव का प्रयोग अब हम आपको बता रहे हैं। टाइप ए में गेट और हैव का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए जो होता है। तो उसमें अभी तक हमने आपको अफर्मेटिव की जानकारी दी है, ये सभी टेंस में होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, हर टेंस में और हर फॉर्मेट में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अभी तक हमने आपको अफर्मेटिव की जानकारी दी है, आज हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की जानकारी देंगे। तो आइए अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन क्या होता है, पहले ये जान लें। जो निगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन इसमें होता है, किसी दूसरे से कार्य करवाने में एक तो सम करना होता है, जैसे कि मैंने अपनी शर्ट प्रेस नहीं की है, आई हैव नॉट आयरन्ड माई शर्ट, और एक मैंने अपनी शर्ट प्रेस नहीं करवाई है, आई हैव नॉट गॉट माई शर्ट आयरन। तो उसमें नेगेटिव सेंस में जो होता है वो फॉर्मेशन दूसरे से करवाने वाला, अब हम आपको बता रहे हैं। इसका फॉर्मेशन ये है, सर्वप्रथम सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है, डू, डज, डिड, हैव, मे, कैन, जो भी ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग हो रही है वो सहायक क्रिया, प्लस उसके बाद नोट, नेगेटिव वर्ड नहीं के लिए, प्लस गेट या हैव में से कोई भी एक। यूजुअली गेट का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हैव का भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, प्लस वर्ब थर्ड, क्रिया की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्लस एटसेट्रा, ETC, इत्यादि 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 में जो आता है वो अभी आप देख लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही आपको इत्यादि का पता चल जाएगा जो बाद में आता है। तो इस फॉर्मेट में जैसा कि हमने आपको बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के बाद, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, और चाहे कोई भी किसी भी काल में हो, किसी भी प्रकार का वाक्य हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं प्रतिदिन अपने कमीज पर प्रेस नहीं करवाता हूं, I do not get, या have भी लगा सकते हैं, I do not get my shirt ironed daily, ये daily etc. में आता है, इत्यादि में। इसी प्रकार से ये तो हुआ आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि उसमें डू डज का प्रयोग होता है, तो हमने डू का प्रयोग किया। इसी प्रकार अब हम पास्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तुमने अपना मोबाइल नहीं सुधरवाया था, यू डिड नॉट गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, इसमें डिड का प्रयोग हुआ, जैसे इसमें डू नॉट का हुआ, इसमें डिड नॉट का प्रयोग हुआ गेट से पहले। इसी प्रकार फ्यूचर में,
वह मंगलवार को अपने बाल नहीं कटवाएगा, तो इसमें विल और सेल का प्रयोग होता है। He will not get his hair cut on Monday. ये एक्सेट्रा में आता है वगैरह वगैरह में on Monday जो होता है। तो आप देख रहे हैं कि हर किसी भी फॉर्मेट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है get have के साथ। अभी हमने आपको नेगेटिव की जानकारी दी, इससे आगे अब हम आपको इंट्रोगेटिव की जानकारी देंगे। तो इंट्रोगेटिव में अब आप देखिएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन इसमें दो टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव में दोज बिगनिंग विद एन ऑक्सिलरी एंड दोज बिगनिंग विद ए क्वेश्चन वर्ड। तो पहले हम बिगनिंग विद एन ऑक्सिलरी जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में बताते हैं। ए बिगनिंग विद एन ऑक्सिलरी जो सहायक क्रिया से स्टार्ट, इसमें इसका फॉर्मेशन देखिएगा, सर्वप्रथम ऑक्सिलरी आती है जैसे कैन में डू डज डिड हैव, जो भी ऑक्सिलरी वर्ड में सबसे शुरू में वो आती है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट निगेटिव वर्ड के लिए अगर निगेटिव भी है, उसके बाद गेट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद एटसेट्रा वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल्स इसमें देखिएगा आप, क्या हमें परीक्षाएं रद्द करवानी पड़ सकती हैं? मे वी हैव टू गेट द एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड। सबसे शुरू में ऑक्सिलरी में आया, फिर उसके बाद जैसे हमने फॉर्मेशन बताया उसी क्रम में सब कुछ आता चला गया। अब इसमें दूसरा देखिएगा, इसमें ऑक्सिलरी भी है, ये पास्ट टेंस का है और ये निगेटिव भी है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। क्या तुम्हें फर्नीचर पर नक्काशी नहीं करवानी पड़ी थी? पड़ी थी, मुझे जाना पड़ा है, मुझे वहां करना है, जाना है, तो इसके लिए हैव टू का प्रयोग होता है आप जानते हैं। उसके बाद गेट या हैव का प्रयोग होगा। तो इसमें डिड आएगा, पास्ट का है, डिड यू नॉट हैव टू गेट द फर्नीचर कार्ड, कार्ड माने नकस, कार माने नकस। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल फ्यूचर का है, क्योंकि किसी भी उसमें प्रयोग होता है किसी भी टेंस में। क्या वह अपनी सलवार रफू करवाएगी? विल सी गेट हर सलवार डॉन्ड, डॉन्ड माने रफू करवाना, तो इसकी थर्ड फॉर्म डॉन्ड होगी। अब प्रतिदिन की भांति अभी इंट्रोगेटिव का दूसरा हम अगले इसमें बताएंगे अपने अगले नोटिफिकेशन में बी टाइप। अब प्रतिदिन की भांति हम एक प्रोवर्ब कहावत, तो आज की कहावत है बद अच्छा बदनाम बुरा। ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। तो आशा है कि हमारे कार्यक्रम से आप लाभान्वित हो रहे होंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और अन्य से भी कराएंगे। धन्यवाद।